क्रीम लगाने की निंजा टेक्निक। अभी हम जा रहे हैं जटोली मंदिर, तो मैं तो रेडी हो गई हूँ। इसको बुला बुला के थक गई। अब आ रहे महाराज गेम खेल रहे थे फोन में, तो चलते हैं जटोली मंदिर। तुझे पता है मैंने फर्स्ट टाइम व्लॉग वहाँ का बनाया था, फर्स्ट टाइम देखा है ना। गुड बॉय है तो बढ़ाने पड़ेंगे मजबूरन। शीशा थोड़ा गंदा है, बाद में करेंगे साफ, है ना। ओके बाय। 3 दिन बोल यहीं परेशान करूंगा अर्षु दीदी को, और फिर उनसे पटाखे खाऊंगा। उसके बाद हम डब्ल्यू डब्ल्यू करेंगे। आज आपको देखने तो हम दोनों रेडी होने के बाद निकल दिए मंदिर जाने के लिए, और मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। ना ज़्यादा धूप थी ना बारिश हो रही थी, बस बादल थे जिससे कि ठंडक बढ़ गई थी। और इस बार मैं गई थी एक दूसरे रास्ते से जो कि आंजी से पड़ता है, मतलब कि जो सोलन और चंडीगढ़ का नेशनल हाईवे है वहीं से एक सड़क जाती है DPS के लिए। वो रास्ता सीधे जाके मिलता है जटोली वाले रास्ते में ही, और वहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं होता है ना ज़्यादा व्हीकल्स होती है, मतलब बहुत कम व्हीकल्स होती है। तो मैंने वो रूट चूज़ किया, क्योंकि अगर जब बाज़ार से जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है, और मतलब मेन बाज़ार में तो ऑफ कोर्स होगा ही रश। तो फिर 15-20 मिनट की राइड के बाद हम पहुँच गए थे मेन रोड पे, जो कि जटोली वाले रास्ते पे ही मिलता है। हम आए हैं लेफ्ट साइड से, जो कि है नीचे तरफ वाला रास्ता, और ये देखो हम मेन लिंक रोड पे ही पहुँच गए हैं। जटोली मंदिर एशिया का सबसे हाईएस्ट मंदिर है, यानी कि सबसे ऊंचा मंदिर है, और इसकी हाइट 111 फीट है। मंदिर के ऊपर कलश है 11 फीट का, जिसे हेलीकॉप्टर की मदद से लगाया गया है। माना जाता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ रहते थे। इस मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 40 सालों का समय लग गया, और अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वो केवल भक्तों के दान से ही करी जाती है। ये मंदिर की रसोई है, जहाँ पर हर संडे भंडारे का खाना बनता है, और इस बड़े से हॉल में लोगों को भंडारा कराया जाता है। अभी ये जगह आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी कि कितना बड़ा हॉल है, बट जब यहाँ भंडारा होता है तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। यहाँ पर एक पितृकुंड भी है, और उस पानी को काफ़ी ज़्यादा शुद्ध बताया जाता है। पानी को बताया गया है कि वह गंगा के रूप में है, और उसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है। वह पानी न केवल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, परंतु लोग उसे अपने घर भी ले जाते हैं उसे शुद्ध मानकर। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चले गए मार्केट। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो हमने पिया जूस ठंडा ठंडा, और साथ में मैंने पिया नारियल पानी। जूस पीने के बाद मेरे भाई का बहुत मन था स्केटिंग करने का, तो मैंने बोला चलो ठीक है हम स्केटिंग करने जाते हैं। तो इसको स्केटिंग आती है और मुझे भी अच्छे से आती है स्केटिंग करनी, तो हम फुल एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे थे, गेम्स भी खेल रहे थे। बहुत मज़ा आया हमें। स्केटिंग मैंने कम से कम 1-2 साल बाद करी है। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है नहा के आया है स्केटिंग हॉल में। उफ देखना ये भगवान।